वो थी दर्दनाक ट्रेन हादसा। 5 से 7 डिब्बा पलट गए और 4 से 5 लोगों की जान जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और वो थी लोग जो कि गंभीर हालत में है, घायल है। किस तरह से यूपी के गुंडा में ये हादसा हुआ है, बहुत ही दर्दनाक हादसा, पूरा जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। किस तरह से क्या है पूरा मामला, किस तरह से ये हादसा हुआ है और क्या है पूरा मामला, पूरा जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को देखते रहिए और पूरा जानकारी जानिए। पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा गोरखपुर रेलखंड पर मोतीगंज तथा झिलाही रेलवे स्टेशन के बीच गुरुवार दोपहर चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना पर पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज सिंह ने कहा, रेलवे की मेडिकल वैन मौके पर पहुंच गई है, बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। यह घटना दोपहर 2:37 के आसपास हुई है। जानकारी के मुताबिक 4 से 5 डिब्बे बेपटरी है। डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना पर पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज सिंह बताते हैं कि एक व्यक्ति के मौत की सूचना है और एक गंभीर रूप से घायल है, जबकि 7 लोग और घायल है। उत्तर प्रदेश के भारतीय रेलवे ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना के संबंध में हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी गई है। गोंडा में रेल हादसे के बाद 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि 11 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। हादसे के बाद घटनास्थल से यात्रियों की चीख पुकार मचाती कई वीडियो समय सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। वीडियो में बेपटरी ट्रेन के डिब्बे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। वहीं यात्री अपनों को ढूंढते और अपने सामान को उठाते नजर आ रहे हैं। सभी के चेहरे पर साफ तौर पर डर देखा जा सकता है। वहीं एक और वायरल वीडियो में लोग अपनी जान बचाकर भागते भी दिख रहे हैं। इस वक्त घटनास्थल पर रेलवे के अधिकारी मौजूद हैं। बाकी यात्रियों को सही सलामत पहुंचाने के लिए रेलवे इंतजाम में जुटी हुई है। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से ट्रेन पटरी से उतर गए और 5 से 7 डब्बा पलट गए और क्या कुछ हुआ, पूरा जानकारी तो आप लोगों को मैं देने की कोशिश किया। किस तरह से दर्दनाक ये हादसा हुआ है, इस हादसे को लेकर आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसी तरह का अपडेट खबर जानने के लिए चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह का अपडेट खबर सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अपडेट खबर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ सरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड TV।